मैं हूं भूअर गिल और जंगल में जिंदा रहने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। जब मैं पिछली बार गया था अमेजन के जंगलों में तो मैं वहां फंस गया था, और इस बार मैं आया हूं फ्लिपकार्ट के जंगलों में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता है, तो आइए देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या है। न्यूज़पेपर, जंगल में अखबार कोई मायने नहीं रखता, फेंको इसे। अरे ये क्या, कॉपी किताब? जंगल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे फेंकता हूँ, बेकार है। अरे मास्क, इसे मैं रख लेता हूँ कि जंगल में हमें कोरोना वायरस से सिर्फ यही बचा सकता है। ठीक है, हाल ही में एक परिवार जो कि जंगल में भटक गया था वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया, इसलिए अब जंगल में भी मास्क पहने रहें। अब मुझे जंगल में पानी की तलाश है, जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था तब मारा क्यों बे? हाँ, दरअसल जब मैं एनसीसी में था तो मुझे सिखाया गया था कि जंगल से पानी कैसे निकालना है। चलिए मैं आपको पानी निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ की मिट्टी काफी गीली है, यहाँ अगर मैं जमीन खोद दूँ तो जमीन से मैं पानी निकाल सकता हूँ। अब चला मैं पानी निकालने। ये देखिए, मुझे एक पानी का सोता मिला है। ये पानी मैं इसे पीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पानी काफी नीचे है और इसे पीने के लिए मुझे कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। ये स्टोव बनकर अब तैयार है, चलिए अब पानी पीते हैं। ये पानी बहुत गंदा है, लेकिन मुझे यहाँ जिंदा रहने के लिए ये पानी पीना पड़ेगा। अब मैं जान बचाने लायक पानी पी लिया हूँ, अब चलता हूँ अगले पड़ाव की तरफ। अरे ये तो एक गुफा है और यहाँ हमें कुछ खाने लायक मिल सकता है, चलिए इसके अंदर चलते हैं। बहुत भयानक भूत था, बाल बाल बचा हूँ। ये देखिए जरा, टका टका पेड़, और यहाँ हमें भोजन का पर्याप्त मात्रा मिल सकता है। सबसे पहले इन्हें मैं तोड़ लेता हूँ, पहले इसे रख लेता हूँ और ये मेरे खाने के अरे वो देखिए सामने की तरफ तो ढेर सारे पेड़ हैं, भरपूर मात्रा में फल है। इन सभी को मैं तोड़ लेता हूँ, इसे मैं अपने बैग में भर लेता हूँ और इसे मैं रात के वक्त खाऊंगा, और इसे खाने से हमें प्रोटीन मिल सकता है। चलिए इसे तोड़ लेते हैं। जंगल में अगर कोई भी चीज मिले तो उसे अपने साथ रख लें, ये कठिन परिस्थितियों में आपके लिए मददगार साबित होगा दोस्तों। मुझे रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, और जंगल में मैं और कहीं नहीं जा सकता। अब मुझे अब यहाँ कैंप बनाना पड़ेगा, और मैं इस आसपास के चीज़ों का मुआयना करने वाला हूँ, और ये नीचे मैं नहीं सो सकता क्योंकि नीचे जंगली जानवर होने का खतरा हो सकता है, और मैं इन बेलों का मैं इस्तेमाल रस्सी के तौर पर कर सकता हूँ, ये काफ़ी मजबूत हैं, मैं इसे
और ये देखिए इन सभी को मैं काट लेता हूँ और इसके बाद चलते हैं दोस्तों। कैंप बनाने का व्यवस्था हमने कर लिया है, चलिए दोस्तों अब कैंप बनाने की तरफ। ये देखिए जरा इन पेड़ों को देखिए, ये हमारे कैंप बनाने लायक बहुत ही अच्छे स्थान पर मौजूद है और ये जमीन से ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ किसी जंगली जानवर का भी कोई खतरा नहीं। अब मैं इस पे चढ़ूंगा, ये काफी अच्छी। और यहाँ ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये तकरीबन जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ हमें जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है। अब रात मैं यहीं बिताने वाला हूँ, चलो अब सोते हैं। रात के 2 बज रहे हैं और इन आसपास की डरावनी आवाजें मुझे सोने नहीं दे रही हैं और मुझे डर लग रहा है। रात कुछ अच्छी नहीं बीती, मच्छरों ने काट कर बुरा हाल कर दिया था। ये देखिए जरा यहाँ मच्छरों काटने के निशान बन चुके हैं, लेकिन ये बात है कि हम जंगल में सुरक्षित बच गए। ऊंचाई पर होने के कारण हमें जंगली जानवरों का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन चलिए दोस्तों अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। सुबह हो गई है, चलिए दोस्तों चलते हैं। मैं जंगल से बाहर आ गया हूँ और मुझे यहाँ ताजी हवा महसूस हो रही है और मुझे यहाँ आसपास इंसानी बस्तियां दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। रुको, रुको। मुझे भी अपने साथ ले चलो। बैठो, लेकिन आगे तेल भरवा देना, तेल नहीं है।